हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप ब्रेकेट्स IDE जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया है उसके फॉन्ट को, जो कि बहुत छोटा छोटा है, इसको कैसे हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इसके फॉन्ट साइज को कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए IDE ओपन करने के बाद आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ इंक्रीज़ फॉन्ट साइज, और साथ में आपको यहाँ ये भी मिलेगा डिक्रीज़ फॉन्ट साइज, या फिर आप रीसेट भी कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो या फिर शॉर्टकट की यूज़ कीजिए, सबसे अच्छा कंट्रोल प्लस आप यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस यूज़ कर सकते हैं डिक्रीज़ करने के लिए, और कंट्रोल जीरो यूज़ कर सकते हैं रीस्टोर करने के लिए फॉन्ट साइज को। तो यहाँ अगर आप क्लिक कर दें तो ये फॉन्ट इंक्रीज़ होगा। फिर से अगर आपको और इंक्रीज़ करना है तो फिर से जाइए, फिर से क्लिक कीजिए, इंक्रीज़ होगा। फिर से इंक्रीज़ करना है तो फिर से इंक्रीज़ कीजिए, या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ कीजिए, मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ और प्लस, तो ये इंक्रीज़ होगा। अगर माइनस प्रेस करेंगे आप तो ये आपका डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और अगर आप ज़ीरो प्रेस करेंगे तो फिर से वो रिस्टोर होकर डिफ़ॉल्ट वाला आपको मिल जाएगा फॉन्ट साइज, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करते हैं, बिकॉज ट्यूटोरियल के लिए ये दिखना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं हम लोग। तो मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ इतना। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि इतना मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा, या फिर और थोड़ा सा बड़ा करें। ओके, तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे करते हैं ये हम लोगों ने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।